दिनकु दिन अड़ुआ सूतार छंदी होउछि श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग प्रकल्प एएसआई रा बिना अनुमति रे श्रीमंदिर चारिपाख रे बेआईन निर्माण होउथबा जोगु राज्य सरकार सबु महलरु समालोचना रा शिकार होउछन्ते। तेबे ए विवाद थमि नथिबा बळे पुणी एक नुआ विवाद राज्य सरकारंकर फोल खोली देइछि। एमआर मठ निकट रे श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर प्रकल्प काम निषिधांचल रे जारी रही बेले गजपतिंक अध्यक्षतार अनुष्ठित होइतिबा सांस्कृतिक उपदेष्टा कमिटी बैठक रे याकु रेगुलेटेड एरिया को स्थानांतर पाई एएसआई डीजिंकु कहा जाइछि। तबे श्रीमंदिर 100 मीटर निषिधांचल बाहर याकु करिबाकु राज्य सरकार स्थिर करिथिबा बेले एथिपाई पुनर्बार जमी अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हेबो। पुणी जेसीबी गर्जिबो विशेष करी माटी मंडप साही शून्य गोसाणी गली ओ कालिका देवी साही रे बसवास करथुवा विभिन्न सेवायतंक परिवार और साधारण लोके निजर भिटामाटी हराइबे जहाकु एबे चिंता रे एमआर मठ निकट रे रहथुवा साही बासिंदा। ए संपर्क अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती पूरी रु आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक जो भाई भाव में वर्तमान रिसेप्शन सेंटर को रेगुलेटेड एरिया रे करिया निष्पत्ति नियागला एवं ये जदि रेगुलेटेड जोन रे ताको करा जिवा ताले श्रीमंदिर ठारु 100 मीटर परे करा जिवा एवं सेथि पय आहुरी उच्छेद करबा को पड़िबो एवं घर भांगिबा को पड़िबो। तो एक निष्पत्ति परे जो अंचल रे एमआर मठ निकट रे रेगुलेटेड जोन रे करिया पय निष्पत्ति नै जे से अंचल जो माने बसवास करछन्ति सेमानकर कोन प्रतिक्रिया आछि सेमाने स्वागत करछन्ति ना घटना को विरोध करछन्ति। निश्चित शक्तिशाही परिक्रमा मार्ग प्रकल्प विवाद राज्य सरकारंकर न तुटुणु एवं श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर को नहीं जो नुआ विवाद देखागला ताक नहीं के साही बासिंदा मैंने क्षोभ प्रकाश कले। आप जानते जिते बड़े श्रीमंदिर मेघनाद पाचेरी ठूँ 75 मीटर उच्छेद करागला से समय दृश्य आम बखाणी से समय दृश्य मध्य आम दर्शक मान देखु शह शह वर्षर भिटामाटी छाड़ लोक मैंने किभली भाव में दाण्डु उपरक पलि विरोध करुते कि प्रशासन से कहला महाप्रभु जमी त्याग कर एवं मंदिर चारिपट लोक मैंने महाप्रभु जमी त्याग कले। परवर्त पर्यायर जिते प्रकल्प करागला कहींपर हाइकोर्ट में सत्यपाठ दाखल करागला एएसआई तरफ सबू प्रकल्प बेआईन भाव रोच तो बर्तमान जो नुआ विवाद देखाई श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेक्टर को प्रोहिबिटेड एरिया रेगुलेटेड एरिया को ट्रांसफर करर्थात 100 मीटर बाहर रेगुलेटेड एरिया जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर करमें अच्छू बर्तमान शून्य गोसाणी गली जानते एमआर मठ निकट में जो प्रोजेक्ट श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर ता तो संपूर्ण बेआईन और सीएससी बैठक बा कल्चरल आडभाइजरी मीटिंग बा सांस्कृतिक उपदेष्टा कमिटी जो बैठक होता गजपति महाराज के अध्यक्षतार से निष्कर्ष बाहर श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर को बर्तमान 100 मीटर बाहर को स्थानातरित करें। शून्य गोसाणी गली कि स्थानीय बासिंदा अच्छा सहित आलोचना करेंगे सेवायत मैंने जोड़ी आलोचना करेंगे आज्ञा ये जो निष्पत्ति निगला बर्तमान 100 मीटर बाहर कर बर्तमान पुनर् बार जेसीबी गर्जिबो आपण मन घर उच्छेद हम भिटामाटी ठार आपण अलग हे ताको आपण केम देखुछन्ते जय जगन्नाथ। देखंतु आज्ञा देखंतु आज्ञा एटा तो गोटे नुआ प्रथमरु आपण प्रथम जो आपण कहले 75 मीटर सेटा तो लोक माने हम भाई बंधु माने सब सतपत भाव जाइले कि आपण सेटा बेआईन निर्माण करके कार्य को स्थगित रखिले ताधर जो सरकार आज्ञा लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका आत्मसात करदे नेता मंत्री जंत्री समेत मिसिकी ये जो रिसेप्शन सेंटर करा कहते आमर कह कथा आम रिपोर्ट कहीं भंगारुजा करेंगे रजा जो ग्रांड सेंटर अच्छी ये अच्छी रजा जो 54 डिसमिल जगह 53 डिसमिल जगह नहीं रथकला मंदिर चारिपट भंगा जाऊ ना न भंगा जहाँ ग्रांड रोड पर लोक सुविधा अवश्य प्रवेश पथ प्रवेश पथ सी आश्रयस्थल रही महाप्रभु सिंह द्वार दर्शन करा लोक 75 मीटर भितर जो दुर्दशा भोगिले बेआईन बोल तो प्रमाण हो गला कितने कष्ट हो आपर पुणी उच्छेद हम आज्ञा विश्वास आमको पूरा विश्वास दिगला आम भाई बंधु विश्वास दिखाला देखो आज्ञा प्रेमी जो गल से गच मझे बस प्रेमी को जो बस या अर्थ कहना या सौंदर्यकरण ना तुम एम कम कर आपड़ आज्ञा रजा ग्रांड सेन्टर ब्रांड सेन्टर सब भांगिकी से आज्ञा रिसेप्शन सेन्टर करदे समुद्र उपयुक्त प्रशासन जिते बेले 75 मीटर भर उच्छेद कर लोक छाड़ू ना से प्रशासन जबरदस्त जेसीबी आनला भांगा आपत सेमती आईन में कौन थब थब आज्ञा ना आम मरी उपचे भिटामाटी छाड़बूनी आ कौन कौन अनुरोध करेंगे प्रशासन को पुनर्विचार करनर्विचार करा रजा जगह खाली अच्छे रजा कहीं ना रजा खुटिया रजा किए अच्छी पुपति किए अच्छी कहीं ना।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦାଗ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମେଘନାଦ ପାଚିରିଠାରୁ 100 ମିଟର, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ମିଟର ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯିବ 100 ମିଟର ବାହାରେ, ଯେଉଁଠିକି ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚିରିଠାରୁ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ CAC ମିଟିଂରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଏମାର ମଠର ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ସାହି ରହିଛନ୍ତି, କାଳିକା ଦେବୀ ସେ ହେଉ, ଶୂନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀ ହେଉ, ଏବଂ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହି ହେଉ, ଯେଉଁ ଏବଂ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି ହେଉ, ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିପାରିବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆତ୍ମହୁତରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ JCB ଗର୍ଜିବ ସେମାନେ ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 75 ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା, ବାସ୍ତବରେ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲା ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ବେଆଇନ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କାଠଗଡ଼ାରେ, ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତ ଅଡ଼ୁଆରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମେଘନାଦ ପାଚିରିଠାରୁ 100 ମିଟର ଭିତରେ ରାସ୍ତା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆ, ଏଇ ଭିତରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 100 ମିଟର ବାହାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି ନା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି। ଯେଉଁ ASI DGଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି CAC ବୈଠକରେ 100 ମିଟର ବାହାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ, ତାହା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଶୂନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀ ଗଳି ଏଇଠାରେ ହିଁ 100 ମିଟର ସରୁଛି, ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ 100 ମିଟର ବାହାରେ ସବୁ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦ୍ୱାରା ଅଛି, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ରହିଛନ୍ତି ଏମାର ମଠ, ମାନେ 100 ମିଟର ସେ ପାଖେ, ଯେଉଁଠିକି ରେଗୁଲେଟେଡ଼ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଉଛି, 100 ମିଟର ବାଦ ସେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀଠାରୁ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯଦି ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ସେବାୟତଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଜାଗା, ସେଠି ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ବରଂ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ରୋକଠୋକ୍ ମତ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।